देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम से। प्रदेश के मौसम में लगातार ही उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव का दौर प्रदेश में लगातार ही बना हुआ है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार ही बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे दिन और रात में हल्की गर्मी का एहसास जो है वो अब होने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव होने का अनुमान जताया है। जी हां, विभाग ने पूर्वी इलाके में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम अब करवट लेगा। जी हां, 16, 17 और 18 मार्च को हल्की बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें कि इसका असर जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में ज्यादा होने वाला है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही भोपाल में बूंदाबांदी भी दर्ज की जा सकती है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार तारीखों की घोषणा होने की घड़ी आ गई है। जी हाँ, चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसमें लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि अभी की बार लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते आगे और बता दें कि मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, सरकार ने महंगाई भत्ता जो है उसमें बढ़ोतरी की है। 4% की बढ़ोतरी मोहन सरकार द्वारा की गई है। कर्मचारियों को अब 42% की जगह 46% महंगाई भत्ता मिल जाएगा। जी हाँ, बता दें कि महंगाई भत्ता नहीं भरने से कर्मचारी नाराज चल रहे थे और आंदोलन का रुख भी करने वाले थे। बता दें कि दरअसल केंद्र के समान 8% महंगाई भत्ता और एरियर की मांग प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कर रहे थे। वहीं आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों को मोहन सरकार ने यह बड़ी सौगात दे दी है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता जो है वो उसमें बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। कर्मचारियों का इसका लाभ 1 मार्च 2024 यानी जो भुगतान अप्रैल 2024 से मिल जाएगा। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अब हज के दौरान यात्रियों के बढ़ते विवादों को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। हज के दौरान यात्रियों ने मक्का और मदीना में किसी विषय पर किया विरोध तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन, नारेबाजी, किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर लहराने या लगाने पर अब कार्रवाई होगी। जी हाँ, एडवाइजरी के अनुसार मस्जिदों के फर्श पर पड़ी वस्तुओं को उठाने पर भी अब वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सऊदी अरब सरकार से हज कमेटी को एडवाइजरी मिली, चेतावनी भी मिली है, जिसके बाद हज कमेटी ने एडवाइजरी एक जारी कर दी। हज यात्रियों को एडवाइजरी में नियमों की जानकारी देने की बात भी इस एडवाइजरी में लिखी गई है। बता दें कि अब हज कमेटी एमपी के हज यात्रियों को प्रशिक्षण भी देगा। जी हाँ, हज के दौरान यात्रियों के द्वारा साल दर साल नियम तोड़ने के मामलों में लगातार ही वृद्धि होती ही रहती है और लगातार वृद्धि देखी जाती है, जिससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर भी कई सवाल जो है खड़े होते हैं। समस्या से निपटने के लिए हज कमेटी ने यह एक एडवाइजरी जारी की है। आगे बढ़ते हैं और आपको यह एक महत्वपूर्ण खबर दे दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले दल बदल का खेल जो है वो लगातार ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने नेता कांग्रेस अब हाईकमान सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पंकज संघवी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी अब सोशल मीडिया एक्स पर पीसीसी चीफ को घेरे में ले लिया है। तो यह थी आज की दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।